हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा है। कि सिंगल एक्यूमुलेटर में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हम वही रजिस्टर को यूज़ करते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम से कम रखनी है। लेकिन अगर हमने कॉस्ट की हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, हार्डवेयर की कॉस्ट की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेट्स से कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को, जो भी उनके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करने के काम आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्टर्स की, तो हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे। जो नॉर्मल रजिस्टर्स हमारे पास सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में थे, सिंगल एक्यूमुलेटर में, जिसमें हमारे पास एक तो एक्यूमुलेटर था, उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब मिनिमम से मिनिमम रजिस्टर्स को हम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो है वो सिस्टम की बढ़ेगी। लेकिन मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि अगर हमें कॉस्ट की ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, तो स्पीड ये कैसे देता है आपको, वो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो ज्यादा आगे, लेकिन उसके अलावा क्या फर्क पड़ा यहां पर, यहां फर्क पड़ा यहां पर इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो हम यहां पर इंस्ट्रक्शन में देते थे कि मोड है, ऑपकोड है और ऑपरेंड होता है, और जो हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन थी वो यूज करते थे हम वन एड्रेस के लिए, मतलब सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम यूज करते हैं टू एड्रेस या फिर थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब यहां पे आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेंड्स का एड्रेस कितना हो सकता है, यहां पे तीन भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मोड है, ऑपकोड है, उसके अलावा आपके पास क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑपकोड होगा और सोर्स ऑपरेंड होगा, और इसके अलावा एक और सोर्स ऑपरेंड होगा। मतलब आपके पास जो साइज है इंस्ट्रक्शन का वो ऑब्वियसली बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने तीन ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, लेट से कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन है C प्लस डी, तो अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, तो देखो इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे लिखेंगे हम, एड डायरेक्ट एड आर वन कॉमा ए कॉमा बी, मतलब कि जो मेमोरी है, जो भी ए और बी, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे एड्रेस होता है उस एड्रेस को कैसे ट्रीट करना है, वो एड्रेसिंग मोड बताता है कि क्या वो डायरेक्ट एड्रेस है, किसी रजिस्टर का है, मेमोरी का एड्रेस है, किस इसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो एड्रेसिंग मोड बताएगा। लेकिन यहाँ पे लेट्स से कि अगर हम बात करें मेमोरी में पड़ी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मेमोरी में पड़ी है, तो सोर्स हमारा ए है और दूसरा सोर्स है हमारा बी, और डेस्टिनेशन हमने क्या रख लिया, रजिस्टर आर वन। तो देखो एक बार में हमने तीन ऑपरेंड यहां पे दिए हैं, तो ऐड क्या हो गया यहां पे, ऑपकोड हो गया, आर वन क्या हो गया यहां पे, डेस्टिनेशन हो गया, ए और बी क्या हो गए, सोर्स हो गए। तो एक इंस्ट्रक्शन में ही हमने यहां पे इस तरीके से इसको लिख दिया। अब होगा क्या, इसका मतलब क्या है कि R1 के अंदर A प्लस B, जो मेमोरी ऑफ A और मेमोरी ऑफ B में जो भी डेटा पड़ा है उसको उठा के उनका ऐड करके हम R1 में रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऐड R2 C कॉमा D। अब हम मेमोरी एड्रेस ऑफ C और मेमोरी एड्रेस D से उठा के डेटा को उनको ऐड करके हम कहाँ रख देंगे, R2 के अंदर रख देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स अब ज़्यादा है। प्रोग्राम काउंटर एक्यूमुलेटर वो तो है ही, उसके अलावा हमारे पास जनरल रजिस्टर्स भी हैं। तो थर्ड में हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके, लेट्स से कि मुझे डेटा मेमोरी ऑफ एक्स में सेव करना है, तो एक्स में डाल देंगे हम क्या, आर वन कॉमा आर टू। सिंपल, मतलब मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्स में हमने क्या स्टोर कर दिया, आर वन और आर टू की मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो पूरे एक्सप्रेशन को हमने तीन इंस्ट्रक्शन से ही सॉल्व कर दिया, तीन इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गई यहां पे, सिर्फ थ्री, मतलब कम हो गई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन इंस्ट्रक्शन की लेंथ की अगर हम बात करें तो ये बढ़ गई। तो अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ बढ़ेगी तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज भी बढ़ेगा, जो आपकी एड्रेस बस है, जो डेटा बस है, उसका साइज भी क्या होगा, बस का साइज भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें इसकी कोई, ऑब्वियसली इससे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अगर हमने कॉस्ट की हमें कोई टेंशन नहीं है, तो आप इस सिस्टम को यूज करो, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रह गई,
सिर्फ 3। तो ऑब्वियसली जितनी कम इंस्ट्रक्शन होंगी उतना ही कम टाइम लगेगा, उतनी ही आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर इसी को हमने करना है 2 एड्रेस से, जैसे हमने यहाँ पे 3 एड्रेस लिखे, हम इसको 2 एड्रेस से भी लिख सकते हैं क्योंकि जनरल रजिस्टर 2 एड्रेस को भी सपोर्ट करता। तो उस केस में क्या होगा, हमने क्या किया, मूव किया R1, A, मतलब A की वैल्यू हमने मूव कर दी R1 में। उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसको, हमने ऐड कर दिया R1 में B की वैल्यू को। सिंपल सा फंडा है, हमने A को क्या किया, पहले A में जो भी डेटा पड़ा था उसको हमने R1 में मूव करवा दिया, फिर हमने क्या किया, B की वैल्यू को ऐड कर दिया R1 में। तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में करेगा R1 में R1 की वैल्यू प्लस B, और R1 में ऑलरेडी क्या पड़ा है, A की वैल्यू पड़ी है, तो A प्लस B होके वो किस में स्टोर हो गया, R1 में। तो यानी हमने यहां पे कितनी एड्रेसेस को यूज किया, 2 एड्रेस को। तो यहां पे आप 2 एड्रेस भी लिख सकते हो, उस केस में क्या होगा, मोड होगा, ऑपकोड होगा, डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा और सोर्स ऑपरेंड होगा, ये वाला एक जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं R2 में C को, हमने C को मूव कर दिया, फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे R2 में ही D को। तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, पहले हमने C की वैल्यू को मूव कर दिया R2 में, अब हमने क्या किया R2 में R2 की वैल्यू प्लस क्या कर दिया, D कर दिया। तो R1 में क्या आ गया, A प्लस B आ गया, R2 में क्या आ गया, C प्लस D आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप R1 R2। तो ये क्या करेगा, R1 में ही R1 और R2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डाल देगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान देखो तो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो जो है वो एज कंपेयर टू 3 में कम हो जाएगा, लेकिन देखो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ेंगी तो आपकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 एड्रेस में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम हो जाएंगी, जिससे आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन उससे आपकी जो लेंथ है इंस्ट्रक्शन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज भी बढ़ जाएगा, आपकी जो बस है उस बस का साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम 2 एड्रेस 3 एड्रेस को यूज करते हैं। इससे पहले हमने सिंगल एक्यूमुलेटर को देखा था, जहां पे हमने सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू।